कल एशिया कप के फाइनल मैच में बांग्लादेश को 0-3 विकेट से हराकर भारतीय टीम ने 7वीं बार एशिया कप अपने नाम कर लिया है। आखिरी गेंद चल इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में केदार जाधव की साहसिक पारी की बदौलत भारतीय टीम ने बांग्लादेश को अंतिम गेंद में 0-3 विकेट से हरा दिया। रोहित शर्मा ने पहली बार कप्तानी करते हुए भारतीय टीम को किसी बड़े टूर्नामेंट का खिताब दिलवाया। खिताब जीतने के बाद रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों की तारीफों के पुल बांध दिए। मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने दिखाया शानदार खेल। मैच जीतने का बाद रोहित शर्मा ने कहा, भारतीय टीम के लिए मध्यक्रम हमेशा से ही कमजोर कड़ी रहा है, लेकिन आज फाइनल मैच में भारतीय टीम के मध्यक्रम के सभी बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की। आज केदार जाधव, एमएस धोनी, दिनेश कार्तिक और रविंद्र जडेजा सब ने अच्छी बल्लेबाजी की। अंतिम ओवरों में भुवी ने भी इन सभी का साथ अच्छे से निभाया। केदार जाधव की तारीफ की चोटिल होने के बावजूद मैदान पर उतरकर भारतीय टीम को जीत दिलाने वाले केदार जाधव की मैच के बाद रोहित शर्मा ने जमकर तारीफ की। रोहित शर्मा ने कहा कि केदार ने साहसिक पारी खेली, चोट के बावजूद जाधव ने बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी को संभाला। जाधव के अलावा रोहित ने भुवी की भी तारीफ की। रोहित ने भुवी के बारे में कहा, भुवी ने अंतिम ओवरों में संभल कर बल्लेबाजी और आउट होने से ठीक पहले छक्का लगाकर भारतीय टीम को दबाव से बाहर निकाला।